नमस्कार, मैं पंकज दुबे और आप देख रहे हैं सागर टाइम्स न्यूज। सागर संभाग से पूरे बुंदेलखंड सहित देश विदेश की ताजा तरीन खबरें और उनके पीछे का सच पूरी सटीकता एवं निरंतरता के साथ देखने के लिए इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। आइए देखते हैं ब्रेकिंग न्यूज। नमस्कार, बड़ी खबर निकल कर आ रही सागर के मकरोनिया से। जी, मकरोनिया क्षेत्र में एक चोरी की बड़ी वारदात हुई है। जी हां, मकरोनिया क्षेत्र में भी चोरों के हौसले इस कदर बुलंद है कि उन्हें पुलिस का जरा भी भय नहीं है। दरअसल मंगलवार की रात भी मकरोनिया के बटालियन क्षेत्र से पुलिस क्वार्टर में अज्ञात चोरों ने धावा बोलते हुए लाखों रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। यहाँ सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात है कि पुलिस कर्मियों के बीचों बीच इस वारदात को अंजाम दिया गया है। जानकारी के मुताबिक बीडीएस में पदस्थ मनीष दुबे बटालियन स्थित पुलिस क्वार्टर में निवासरत हैं। मनीष दुबे शासकीय काम की वजह से भोपाल गए हुए थे और उनकी पत्नी मनीषा दुबे अपने मायके गई हुई थी। जब मनीषा दुबे मायके से अपने घर लौटी तो अंदर का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। कमरे में रखी अलमारी का लॉकर टूटा हुआ था और सारा कीमती सामान यहाँ वहाँ बिखरा हुआ था। चोरों ने केवल ज्वेलरी पर ही हाथ साफ किया है। मनीषा दुबे का कहना है कि लगभग 6 लाख रुपए की ज्वेलरी पर हाथ साफ किए गए हैं। मकरोनिया क्षेत्र में अभी तक चोरों द्वारा आम जन को ही निशाना बनाया जा रहा था, लेकिन इस वारदात के बाद ऐसा लग रहा है कि पुलिस कर्मी भी अब सुरक्षित नहीं है। तो कोई निशान वगैरह मिला कि कहां से घुसे हैं? कहां से घुसे थे? पीछे से लॉकअप तोड़ के घुसे। तो क्या क्या गया? 3 हार, 2 चैन है, 10 अंगूठी है। सभी सोने के गहने? सभी पूरा सोने का। और नगदी वगैरह? नगदी नहीं था सर, सोने। तो लगभग 10-12 लाख। आपने शिकायत दर्ज कराई पुलिस में? जी, FIR दर्ज कराई। कॉलोनी में एक चोरी की घटना अभी पुलिस के संज्ञान में आई है, जिसमें कि थाना मकरोनिया में अपराध पंजीबद्ध किया गया है चोरी का और उसकी मालिक की जा रही है। सर, किन के घर से ये चोरी हुई है? कितना सामान गया? क्या ये SF में एक कंपनी कमांडर हैं मनीष दुबे जी, इनके यहाँ ये चोरी घटना हुई है और इसमें जो मसरूका है वो सोने चांदी के जो जेवर है की कीमत लगभग 6 लाख रुपये ये चोरी हुई। इस वारदात के बाद स्थानीय पुलिस की कार्य प्रणाली और लचर कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान लग गया है। अब देखना होगा इस मामले में पुलिस क्या कार्रवाई करती है और कब तक इस मामले का खुलासा कर पाती है, या फिर बाकी चोरियों की तरह यह चोरी का मामला भी बंद फाइलों में दम तोड़ देगा। देखते रहिए सागर टाइम्स न्यूज।